पीके यानी प्रशांत किशोर, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये बिहार के हैं और आज ये अपने घर लौट आए हैं। अब तक बिहार और दूसरे राज्यों में पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं का साथ देते थे, उन्हें स्ट्रैटेजी बताते थे, उन राजनेताओं के आगे बढ़ने के रास्ते बताते थे, सफलता की राह पर चलने में सहयोग किया करते थे। लेकिन अब उनकी स्ट्रैटेजी बदल गई है। अब प्रशांत किशोर खुद राजनीति करेंगे और यह राजनीति अपने घर से करेंगे, यानी बिहार की धरती से करेंगे। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से इसकी शुरुआत करेंगे। बाजाबता आज प्रशांत किशोर ने इसकी शुरुआत कर भी दी। आज से बिहार में सियासत की एक और धारा चल पड़ी, वह है पीके पॉलिटिक्स। बिहार में आज से पीके पॉलिटिक्स की नींव पड़ गई है। भले ही प्रशांत किशोर यानी पीके ने अभी पार्टी को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है, ना ही किसी पार्टी का गठन किया है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर स्वीकार किया है कि जल्द ही इसे लेकर किसी ठोस नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने बार बार इस बात को बड़ा ही साफ गोई से रखा कि वे जाति नहीं जमात की राजनीति करेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे जो नेता के नाम नहीं उनके काम पर भरोसा करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में जातीयता टूट पाएगी, क्या जमात की राजनीति हो पाएगी, भूमिहार बाभन ओबीसी एक हो पाएंगे। लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि आखिर पीके पॉलिटिक्स के मायने क्या है, क्या बिहार में केजरीवाल मॉडल लागू होगा। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझ पर भरोसा तो कीजिए, हमने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया है और उन कामों पर अब तक खरा उतरा हूं, इसलिए आज आप लोग हमें सुन भी रहे हैं। मेरे पिछले कामों की सफलता देखकर आप मेरे अगले कामों से उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि मुझे इस काम में कितनी सफलता मिलेगी या फिर सफलता मिलेगी भी कि नहीं, यह मैं अभी नहीं कह सकूंगा, लेकिन अब मैं बिहार के लिए काम करूंगा। बिहार के हर गांव गली में जाऊंगा, हजारों लाखों लोगों से संपर्क करूंगा, एक एक आदमी से मिलूंगा, वैसे आदमी से भी मिलूंगा जो हमसे मिलना चाहते हैं, और वैसे आदमी से भी मिलूंगा जिनसे मैं मिलना चाहता हूं। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की धरती से इसकी शुरुआत करूंगा, वह भी बापू के जन्मदिन पर। लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा तय कर बिहार के मैक्सिमम एरिया को कवर करने की पूरी तैयारी है। प्रशांत किशोर इसके लिए पिछले 2 वर्षों से जमीन बना रहे थे, उसके लिए मनन मंथन कर रहे थे, ब्लूप्रिंट बनाकर इसकी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए आखिरी बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में काम किया था, इसमें ममता बनर्जी की सरकार बनाने में उन्हें भारी सफलता मिली थी। तब प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा था कि बीजेपी डबल डिजिट में रहेगी, जबकि बीजेपी का दावा था कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी 200 प्लस सीटें लाएंगी। 2 मई 2021 को जब रिजल्ट आया तो पूरी दुनिया ने देखा कि प्रशांत किशोर अपने दावे पर सही साबित हुए, वे इस कसौटी पर खरे उतरे। लेकिन उसी समय प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अब वे आगे से इस तरह के काम नहीं करेंगे, अब खुद के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपनी पुरानी बातों को आज पटना के बापू सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर दोहराया। दरअसल पिछले कई दिनों से प्रशांत किशोर लगभग 1 दशक से नेशनल मीडिया की सुर्खियों में है। हालांकि उनकी रणनीति यूपी के पिछले चुनाव में फेल कर गई थी, कांग्रेस के लिए उनकी खाट राजनीति ने पार्टी की ही खाट खड़ी कर दी थी, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि भले ही यूपी में पीके का जादू ना चला, लेकिन उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 90% से अधिक है। बिहार, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र सब जगह तो पीके का जादू कायम रहा, उनका जलवा बरकरार है। पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी के आगे बीजेपी बौनी साबित हुई, और वही प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में आज से कूद गए।
इसकी विविध शुरुआत इसी साल 2 अक्टूबर से हो जाएगी। आज की पीसी में उन्होंने अपने कामों के बारे में बताया, बिहार की बात पर सफाई दी, कांग्रेस में क्यों नहीं गए, सोनिया गांधी के संग क्या मंत्रणा हुई, इन सब मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। बिहार में कैसे वे जाति से जमाती की राजनीति करेंगे, इसके लिए पैसे कहां से आएंगे, कास्टिज्म कैसे खत्म होगा, इन सब मसलों पर पीके ने बड़ी ही बारीकी से अपनी बातें रखी। उन्होंने यहां तक कहा कि नरेंद्र मोदी की जाति के बिहार में कितने लोग हैं, लेकिन उनकी जीत लगातार कैसे हो रही है। यदि कास्ट कोई फैक्टर रहता तब तो मोदी को एको वोट नहीं मिलता। यह भी सच है कि पीके ने नरेंद्र मोदी के लिए काम किया, नीतीश कुमार के लिए काम किया, ममता बैनर्जी के लिए काम किया, केसीआर के लिए काम किया, कैप्टन अमरेंद्र सिंह के लिए काम किया और जगमोहन रेड्डी के लिए भी काम किया। सब में पीके को सफलता मिली, लेकिन यह बिहार है, भले ही उनका घर है लेकिन यहाँ की बात निराली है। दरअसल पीके के बारे में कहा जाता है कि वे अरविंद केजरीवाल मॉडल पर काम करेंगे। हालांकि पीसी में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लेने से परहेज ही किया। यह तो सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे चेहरों को प्रमोट किया जो कि सियासी पर्दे पर वे पहले से कहीं नहीं थे। दिल्ली हो या पंजाब, केजरीवाल ने दोनों ही राज्यों में गैर राजनीतिक व्यक्तियों को प्रमोट किया है और उन्हें सत्ता की कुर्सी पर बिठाया। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि हर राज्य के वोटरों का नेचर अलग होता है। दिल्ली और पंजाब से बिहार के वोटरों का नेचर बिल्कुल अलग है। बिहार में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है। इसे खत्म करने के लिए बात तो सब करते हैं, यहाँ तक कि पीएम मोदी भी बिहार से जोड़कर इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन चुनाव के समय सब ठाई ठाई फिश हो जाता है। हाँ, टाइम टू टाइम इसका शेप चेंज हो जाता है। एक समय था जब बिहार में सवर्ण और पिछड़े में लोग बटे थे, लेकिन अब यह माय समीकरण, लव कुश समीकरण से लेकर दलित महादलित बीसी ओबीसी में बटा हुआ है। अब तो बिहार में एक और समीकरण बन गया है, यह है भू माय समीकरण। इसे तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया है। वे ए टू जेड की बात करते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव तो लालू यादव और राबड़ी देवी के लड़के हैं, जबकि हम तो बिगनर हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन इससे उनकी चुनौती कम नहीं होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर बिहार की आम जनमानस के बीच खुद को राजनेता के रूप में कैसे पेश करेंगे। बिहार में हार्डकोर पॉलिटिक्स होती है, ऐसी जगह पर पीके की पॉलिटिक्स कितनी जड़ जमा पाएगी। हालांकि लंबे समय से बिहार पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु में रहने वाले लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी अब उतार पर हैं और नए चेहरे सामने आ रहे हैं। इसमें नित्यानंद राय, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान जैसे नई पीढ़ी के नेता अब मजबूती से जम चुके हैं और ये सब अपनी ताकत भी मजबूती से दिखा रहे हैं। इनके बीच उन्हें नए मुद्दे भी तलाशने होंगे। स्वराज के बारे में लोगों को बताना भी होगा, नई सोच से उन्हें अवगत भी कराना होगा। ऐसे में तमाम छोटे दलों को एकजुट करना भी उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि छोटे दलों के नेचर को देखते हुए आसानी से कहा जा सकता है कि उन्हें एकजुट करना तराजू पर मेंढक तौलने के बराबर होगा। बहरहाल पीके ने दो टूक कहा है कि बिहार में अगर राजनीतिक पार्टी का ऐलान हुआ तो वह प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी, वह उन लोगों की पार्टी होगी जो बिहार में बदलाव, स्वराज और नई सोच की बात का समर्थन करते हैं। अभी कोई पार्टी नहीं है और ना ही कोई मंच है। आप मुझे बिहार में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर देख सकते हैं। मेरा नीतीश कुमार से कोई निजी मतभेद नहीं है। नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और लोग कहने लगते हैं कि मैं जेडीयू ज्वाइन करूंगा, लेकिन यह खाली अफवाह है। मैं जाति नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्वराज और नई सोच के आधार पर बिहार में बदलाव करूंगा। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।